अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक यार। जैसा कि काफ़ी भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं जब मैंने जो अपनी बाइक रिस्टोर की है ना, उसके मैं साउंड सुनाऊँ, तो यार साउंड में सुना तो देता हूँ, लेकिन अभी उसके टैपेट लूज़ हैं। क्योंकि जब भी आपकी बाइक का नया इंजन बनता है तो वो जो मैकेनिक होता है उसके टैपेट लूज़ करता है। पहली ट्यूनिंग के बाद उसके जो टैपेट होते हैं वो टाइट होते हैं। तो आज हमने क्या क्या करना है कि यार, जैसे कि हमने इसके शॉक्स नहीं डलवाए थे, तो ये वाली पत्री जो ब्रेक शू वाली पत्री है ये पुराने मॉडल की थी, तो इसके अंदर प्ले है, इसमें काफ़ी प्ले है। ये हमने चेंज करवाना है। मीटर का जो नीचे वाली मोटर है ना, इसके साथ जो केबल है ना वो फ्री है, तो इसकी जो मीटर के अंदर वाली मोटर है ये हमने चेंज करवानी है। ये जो हमारा हैंडल वाला पत्री है ना, अब इसके अंदर टूट गया पेच, और पेच हम निकलवाएंगे और इसको बफ करवाएंगे, तो हमारा उतने पैसे लग जाएंगे उतने कि हमारी ये पूरी प्लेट नहीं आ जाएगी। वो नई भी होगी, उसकी लुक भी अच्छी होगी, तो हम वो प्लेट लेंगे, साथ ये वाले तीन नट लेंगे ताकि इसकी लुक अच्छी हो जाए। तो ये हमें इसका करना है। और साइड पे जो इसकी हब है ना यार, हब को मैंने वो लगाया था स्लीव, क्योंकि इसकी हब बहुत घिस गई हुई थी, लेकिन स्लीव से भी मज़ा नहीं आया, ब्रेक बहुत जैम चलती है। तो ये स्लीव और ये पत्री, ये दोनों चीज़ें हम इसकी चेंज करवाएंगे, आगे वाली सिर्फ पत्री चेंज करवाएंगे। तो ये हमने इसका काम करवाना है। इसकी तार भी डलवानी है, ये तार इसकी ख़राब हो चुकी है। चलते हुए ना बाइक इस तरह की आवाज़ कर रही है क्योंकि टायर बहुत जैम हुआ है और ब्रेक जो है वो हमारी, मतलब कि ना बाइक चल ही नहीं रही। सामान हमने ले लिया अपनी बाइक के लिए और अब जाके इसकी फिटिंग करवाते हैं। ये फ्रंट वाली की पत्री हम दोनों ले आए थे, दोनों में देखते कौन सी वाली लगती है। ये पुराने मॉडल की भी ले आए हैं। बाकी ये इसकी तार है, ये हैंडल की ग्रिप है, ये भी डलेगी। ये ब्रेक लीवर है कंप्लीट, ये इसका डलेगा। क्या कहना चाहेंगे मोटरसाइकिल के बारे में? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगी गाड़ी, आपको ध्यान घुमाए, गाड़ी की लुक हो गई है पूरी, जैसे नहीं होता सर। अपने लिए नहीं मंगाई यार, था साथ पीते मज़ा आता है। मैं जलेबी गई थी। जलेबी? हाँ जलेबी नहीं खरीदी ज़्यादा। अभी दोनों में से लगा के चेक करते हैं ना कि किस में खड़खड़ नहीं होती है। ये सही है। अभी इसकी यार बैग दुमची लगाते हैं। फ्रंट वाली मेरे पास पड़ी है, वो मैं घर में लगा लूँगा। और मीटर की इसकी गरारी जो है ना, मीटर इसका वर्किंग में नहीं है, वो इसका करवाना है। बाकी जो फ्रंट हब की प्लेट है ना, वो हमारी वो चल गई थी, तो ये जो है वापस करा देंगे। बाकी अब इसके टैपेट वगैरह टाइट हो रहे हैं क्योंकि इंजन में थोड़ी सी ना आवाज़ थी, तो वो भी हम ख़त्म कर देंगे। अभी यार कुछ सामान जो हमारा बच गया था ना, जो हमने नया लिया था, जो नहीं लगा हमारी बाइक के ऊपर, उसको हम वापस कराने कैंची जा रहे हैं, क्योंकि कैंची से हमने सामान लिया था। यार बॉल्टन कंस्ट्रक्शन की वजह से ना सारी जो ट्रैफिक है ना, गाजी रोड की तरफ आ गई हुई है और ट्रैफिक इस टाइम फुल जैम हुई हुई है। मीटर के लिए हम इसी गरारी ले आए थे, और मीटर अभी देखते हैं कि ये रिपेयर हो जाता तो ठीक है, वरना हम इसको मीटर भी नया डाल दें। मीटर हो गया फिट और इसको हमने बिल्कुल ज़ीरो मीटर कर दिया है। अब नीचे से ज़रा फिटिंग हो रही है इसकी। सर फाइनली जो हमारा मीटर है वो प्रॉपर वर्क करना शुरू हो गया है, अब आप देख सकते हैं।
रात को मैं काफ़ी लेट हो गया था, मैंने कहा दिन का टाइम आपको मैं सारा दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या इसका करवाया है। तो हमने ये इसका ब्रेक लीवर है ये हमने इसका चेंज करवाया था, जो इसकी पीछे वाली चीज़ है ना ये हमारी ठीक थी तो यही चल गई। फिर हमने ये जो ऐनक का ये है ये हमने नया डलवाया है, इसके साथ हमें ये ऊपर वाली चीज़ें भी मिली हैं। ये नट हमने नया डलवाया है, शॉक्स का नट है ये हमने नया डलवाया है। फिर इसकी जो रेस की तार है ये हमने नई डलवाई है, डुमची नई डलवाई है, मीटर की गरारी नई डलवाई है, ठीक है, और मीटर की मोटर भी ठीक होगी हमारी नीचे से। बाकी ये जो प्लेट है उस मैकेनिक ने इसी को ठीक कर दिया, तो मैंने ये चेंज करवाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये वाली प्लेट भी इसकी चेंज करवा दी थी, ये वाला जो इसका ब्रेक की किल्ली होती है ये भी हमने चेंज करवा दी थी, और दूसरा ये हमारी ब्रेक में थोड़ी सी प्ले थी इसको भी हमने सेट करवा दिया था। सो अब आप कह सकते हैं कि हमारी जो बाइक है वो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन चाइना की बाइक है इसका यार आप कुछ कह नहीं सकते, इसमें कोई ना कोई मसले निकल ही आते हैं। और ये जो इसकी बैक प्लेट है ये भी हम चेंज करवाएंगे, मुझे अच्छी नहीं लग रही। और यार ये देखें, ये पार्किंग में खड़ी की थी तो किसी बाइक वाले ने आके तोहफा दे दिया। सो ये जो हमारा छोटा सा एक प्रोजेक्ट था ये हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है, इस पे हमने ये वाला डंडा भी लगा दिया, ये हमारी पुरानी बाइक में लगा हुआ था 70 में, तो ये मैंने इसमें लगा दिया। बाकी ये ओवरऑल बाइक की लुक है जो कि मुकम्मल कम्प्लीट हो चुकी है, और अब यहाँ से आप देख के इसको जज नहीं कर सकते कि ये कौन सा मॉडल है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। बाकी मैं आपको रेट बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कितनी की आई हैं। ये वाला ये 50 रुपये का आया, रेस की तार आई है 180 रुपये की, ये जो मीटर की गिरारी आई थी वो 200 रुपये की आई थी, मीटर रिपेयरिंग और इसकी जितनी भी इसने सेट शूट किया तो 500 रुपये इस पर लगा। ये प्लेट आई थी 420 रुपये की, ये हब आई थी 880 रुपये की, ये वाला जो पतरी आई थी 150 रुपये की, ये आई थी लेबर उसने 300 रुपये ली थी, डुमची 130 रुपये की आई थी, फ्रंट वाली 100 रुपये की आई थी, प्लेट थी ये 500 रुपये की आई थी, नट ये वाला आया था 100 रुपये का, और ये दोनों नट आए थे 50 रुपये के।